सेवा कार्यक्रम नाळरे पडिथिबा गाय को उद्धार कले अग्निशम कर्मचारी भारतीय आईनजीवी संघ राउरकेला शाखा पक्षरु दिनिकिया आलोचना चक्र आयोजित प्रगति उत्कल संघ पक्षरु प्रोफेसर चित्तरंजन दास जयंती समारोह उत्सव उद्यापित राउरकेला श्रमिक संघ और गांगपुर मजदूर मंचर मिलित सांबादिक सम्मेलनी सूरज क्लब द्वारा दुईदिनिया फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित आधुनिक मेटालिक्स कार्यरत श्रमिक मानकर वेतन वृद्धि चुक्तिनामा स्वाक्षरित राउरकेला सहर आनंद भवन लेन अंचल पलटि अपराधी चोराभूमि अभियोग पर भी पुलिस निष्क्रिय अभियोग ट्रक को पछर पिटिला तीर्थयात्री बस अल्पके बर्तिले यात्री स्वच्छता और परिवेश प्रति प्रतिबद्धता रखिथिबा सामाजिक अनुष्ठान क्लीन एंड ग्रीन संगठन पक्षरु सेक्टर 6 स्थित इस्पात फिटनेस पाथ ठारे स्वच्छता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएछि। अनुष्ठान सभापति डॉक्टर देवेंद्र कुमार सेठी को नेतृत्व में होइतिबा एक कार्यक्रम रे साधारण संपादक प्रदीप कुमार दास एवं वरिष्ठ सदस्य पीसी मिश्रा समेत संगठन प्राय 35 जन सदस्य एक कार्यक्रम में भाग नहीं। हिमांशु बेहरा और सुरेंद्र कुमार महांती प्रदत्त घासकटा मेसीन साहय और स्थानीय अंचल किसी उत्साही व्यक्ति जथा सागर पाणी दिनेश सिंह सावित्री साहू मनोज नायक धीरेन्द्र प्रसाद दास अशोक पटेल धर्मेन्द्र पात्र प्रमुख कार्यक्रम में सहयोग करते सेपरी अपराह सेक्टर 8 स्थित आशार आलोकठे कदमी पणस विभिन्न चारा रोपण करसर में किसी पनीपरिया चाषपी बगिचा क्षेत्र प्रस्तुत कर राउरकेला सहर रे रास्तार विभिन्न स्थान में बुलुवा गायगोरों संख्या वृद्धि पावे लगी प्रशासन पक्ष आखिदृश्य पदक्षेप निभोग क्रम सेक्टर 15 अंचल रिंग रोड रु कम्युनिटी सेंटर रास्त एक नाड़े एक बुला गाई पड़ा स्थानीय लोक उद्धार करने को चेष्टा असफल होते ओडिशा अग्निशम विभाग को सूचना दि जाइला। सूचना पाई अग्निशम कर्मचारी घटनास्थल में पहुंच स्थानीय लोकों सहायत गाईट को उद्धार कर भारतीय आईनजीवी संघ राउरकेला शाखा पक्षर राउरकेला सहर आईटीडीए सम्मेलनी कक्ष में एक दिनिकिया आलोचना चक्र आयोजित हो जाएगी। शाखा सभापति मोहम्मद रफिक को अध्यक्षतार होता एक कार्यक्रम रांची स्थित जातीय आईन विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमांशु दास मुख्य वक्ता भाव जोगद राउरकेला शाखा पक्षर आयोजित चतुर्थ सम्मेलनी अवसर में जनस्वार्थ संबलित आईन सांप्रतिक स्वरूप और आवश्यकता शीर्षक आलोचना होता। एथिरे राउरकेला आईन महाविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा पारमिता पंडा वक्ता भाव जोगद भारतीय आईनजीवी संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा युव आईनजीवी सदानंद साहू एथिरे भित्ति निबंध उपस्थापन करते आलोच्य विषय संपर्क में वक्ता और अतिथि माने आलोचना करते सहित यह अवसर में राउरकेला शाखा पक्षर विभिन्न प्रस्ताव पारित कर एथिरे राउरकेला शाखार आवाहक अनंत नारायण साहू को समेत विभिन्न स्थानों 150 रु अधिक प्रतिनिधि जोगद सदानंद साहू इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ऑल इंडिया चैप्टर नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर आज राउरकेला चैप्टर फोर्थ कॉन्फ्रेंस चतुर्थ सम्मेलनी अनुष्ठित होउछि आईएल जो थे कि आईनजीवी लॉ स्टूडेंट एवं आईन व्यवसायी सहित थिबा अन्यान्य व्यक्ति विशेष आज जोग देइचंती चतुर्थ सम्मेलनी परिप्रेक्षी रे आमे राउरकेला चैप्टर गोटे सेमिनार ऑर्गेनाइज करिछि जे पीआईएल इन इंडिया भारत वर्ष रे कोभली भाव रे पीआईएल को अपव्यवहार कराउछि भारत वर्ष रे कोभली भाव रे पीआईएल जो माने रियल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होउछि ता प्रति कोहली भाव में जुडिशियली विभाग कोहली भाव में अणदेखा कर संपर्क में आज आलोचना चली पखापाखि 150 डेलीगेट प्रतिनिधि सम्मेलन में जोग देती सम्मेलन में जो आलोचना होती आईनजीवी मानक प्रोफेशन उपर आई लीगल प्रोफेशन उपर आलोचना होती आईएल आज रिजोल्यूशन पास हो राज्य सरकार और बार काउंसिल ऑफ ओडिशा निकटने दाबी उपस्थापन अतीतर हो वर्तमान हेबो जे डेथ बेनिफिट जोटा 4.5 लाख अच्छी 15 लाख पर्यंत करने इंश्योरेंस
आईनजीवी मान समस्त इन्सुरांस अच्छी आईनजीवी इन्सुरांस ना तेणु हेल्थ इन्सुरांस 10 लाख आम रिजोल्यूशन पास होती रिजोल्यूशन पास होती एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जोटा कि राजस्थान सरकार आईएल जो मूवमेंट है राजस्थान सरकार पारित कर भारत बर्ष सरकार और ओडिशा सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किभली भाव में ओडिशा लागू करेंगे से भारत बर्ष लागू करेंगे से संपर्क में आज रिजोल्यूशन पास हो रिजोल्यूशन पास हो जे जो न्यू कमर जो आसुच्च प्रोफेशन को सेमकर 3000 टंका जो जॉइन करुँच तीन वर्ष पर्यंत 5000 टंका पर्यंत 5000 करी 3 वर्ष पर्यंत दवापे आज रिजोल्यूशन पास हो। अनंत नारायण साहू कन्वेनर राउरकेला इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स आमर आज 4th कॉन्फ्रेंस है जोटा कि आमर लीगल फ्राटर्निटी अच्छी तार सब डिमांड रही सोसाइटी समस्त प्रिविलेजेस अच्छी कि एडवोकेट मानकर कौन सी डिमांड ना मैंने रही एडवोकेट मैंने स्ट्राइक करें एडवोकेट मान को कौन सी फैसिलिटीज ना तेणुक इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स एम हो टू प्रोटेक्ट द लॉयर्स लॉ स्टूडेंट्स एंड लीगल माइंड पीपल फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आमर लीगल जो एडवोकेट मानकर डेथ बेनिफिट स्कीम 15 लाख मिनिमम हवा उचित एडवोकेट मान जो थ्रेट सम्मुखीन होती से मानकर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन आक्ट आम डिमांड अच्छी नुआ जो फ्रेशर मैंने जॉइन करमानकर इनिशियल किसी इनकम ना तेणुक आम डिमांड रोचे से 3 इयर्स मिनिमम 5000 रुपीज स्टाइपेंड दरकार आउ जहाँ फैसिलिटीज रही लीगल सिस्टम पर प्रोवाइड करवा उचित से डिमांड आम रोच। सोना दिलों को करीब लाता है। सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है। सोना ही नए रिश्तों को समेटता है। सोना ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है। सोना रिश्तों को जोड़ता है। सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर्स ऑफ जनरेशन जय हिंद एंड सन्स ज्वेलर्स मेन रोड राउरकेला। राउरकेला शहर सेक्टर 7 थिबा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन प्रगति उत्कल संघ पक्षर ओडिशार सक्रेटिस भावे परिचित प्रोफेसर चित्तरंजन दास जयंती समारोह उत्सव पालन उद्यापित हो संघर प्राक्तन सभापति अध्यक्षतार होता एक कार्यक्रम में विशिष्ट साहित्यिक दास बेनहुर मुख्य अतिथि भाव जोगदे से वक्तव्य प्रोफेसर चित्तरंजन शिशु साहित्य और शिशु मानाई विभिन्न कार्य और से संपर्क में अभिज्ञता संपर्क कहते यहा सहित चित्तरंजन प्रबंध साहित्य संपर्क में आलोचना करी साहित्य रे प्रबंध विभाग रे चित्तरंजन द्वारा लिखित अनेक गुणात्मक प्रबंध संपर्क में आलोचना करी साहित्य और संस्कृति परस्पर जड़ित एवं उन्नतमानर प्रबंध निमन्ते अनुभव और अभिज्ञता समेत अध्ययनर आवश्यकता थिबा दास बेनहुर कहिथिले। कार्यक्रम में 5 जन विशिष्ट व्यक्तित्व द्वारा शुकर और सक्रेटिस पुस्तकर चयन करा 5 प्रबंध पाठ सहित आलोचना होता क्रम ऐतिहासिक डॉक्टर प्रभात कुमार मल्लिकों द्वारा लुथर और एरास्मस प्रबंध डॉक्टर रवींद्र कुमार दास द्वारा कलामय जीवन और कलानुराग प्रबंध डॉक्टर नगेन कुमार दास द्वारा धर्म और अफिम राजीव पाणी द्वारा संस्कृति और संपत्ति एवं भवेश चंद्र साहू द्वारा शिक्षाविद और शिक्षाजंत्री प्रबंध पाठ सहित आलोचना होता यह सब प्रबंध मध्यम चित्तरंजन शाणित अभिव्यक्ति समाज संस्कार व्यक्ति निजे निज को भल पाइबा
ଧର୍ମ ନାମରେ କୁସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ କବିୟତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା। ଶେଷରେ ପ୍ରଗତି ଉତ୍କଳ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବୈତାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଭାରତଭୂଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଘନଶ୍ୟାମ ଧଳ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗାଙ୍ଗପୁର ମଜଦୁର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସଂଘର ସେକ୍ଟର 18 ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇତିମଧ୍ୟରେ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ 30ରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଓ ସୁବିଧା ସହିତ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଡିଏସ୍ ପାଣିକରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁକି ସଭାପତି ଗାଙ୍ଗପୁର ମଜୁର ମଞ୍ଚ 40,500 ପାଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, 40,700 ପାଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ 40,700 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ରହିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଇନକମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ବୋନସ୍ ପାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ଜମି ଆମେ ଦେଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଜମି ଦେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ସବୁ ଜମି ଜମା ମାମଲାଟା ଆସିଲା। ସେଇଥିରେ ଜବରଦଖଲ କେଉଁଠି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କେ ବୁଝିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। 19,000 ଏକର ଜମି ଦଖଲ ଆକ୍ୱାର୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ 14,000 ଏକର ଜମି ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରଲ୍କଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ରେ ସବୁ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବାକି ଯେଉଁ 5,000 ରହିଲା, ସେ 5,000 ଜମିଟା ଏକର ଜମିଟା ଏ ଜବରଦଖଲ ଚାଲିଛି, ଏ ସେକ୍ଟର ଏରିଆ ହଉ ବାକି ଜାଗା ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଦେଲେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର RSP ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କେମିତି ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ହଉ, ତା'ହେଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ ଗୋଟେ ଦିଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଗତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ସପୋର୍ଟ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫସର ଫାଟିଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କଲିନି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ସପୋର୍ଟ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆମର 10 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଆଉ 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଫେରିଗଲା, ତା'ର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଜମି ଯଦି ନେଇଛି ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫେରିଦେବା କଥା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରେ, ଆମର ତ ଅନେକ ଜାଗାଟା ଫେରି ଦିଆହେଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି। ତା'ର ଲାଗି ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝାମଣା କରିକି ଯେଉଁଟା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗି ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ତା'ର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଅଛି। ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଶ୍ରମିକ ଇତିହାସ କହିବ? ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ହେଇଛି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଅବଦାନ। ଆମେ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାସ୍ ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଉରୁପଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଉଦାହରଣ, ଏବେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା, 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ 18 ନମ୍ବରର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯାଉଛି ରିସାଇକିଲ୍, ସେପାଇଁ ଏବେ ଗତ ମାସ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ବି ସେ କେସ୍ର ଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କରିବା ଲୋକ ସେ କାମ କରିଚାଲେ, ସେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। RSP IGH ହେଲ୍ଥ ତ ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ନାହିଁ, କାରଣ IGH ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବା, ଏତେ ନାମିକା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜି ପଳାଇଛି। ମେସିନାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି, MRI ମେସିନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନଥିଲା, ରାଉରକେଲା ଅଛି। CT ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ 2-3 ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଇକ୍ୟୁ ମେସିନ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତ ଆମର 2-3 ଅଛି। ଆମର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭଲ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ମାଝି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ MRI ବା ସ୍କାନିଂ ଏତେ ସ୍କାନିଂ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ଡେ ସେ ପଳେଇଯିବ ଛାଡ଼ିକି ଡକ୍ଟର ମାଝି, IGH-ର ଏକ୍ସରେ CT ସ୍କାନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
गजानन वैरायटी स्टोर, ए हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल एंड साड़ीज, जेंट्स लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोन, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टिंग, केलर, लोमेन, इंटरग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर राउरकेला सहरर सेक्टर 14 पूजा पड़िया ठारे निकटस्थ शांतिनगर बस्ती अंचलर सूरज क्लब द्वारा दुईदिनिया फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो जाइछि। प्रतियोगितार फाइनाल खेल रे बालुघाट तुमकेला दल पेनाल्टी जरिया 5-4 चंपियन होईछि। या सहित शांतिनगर बस्ती दल उपविजेता होईछि। दुई दिन धरी चलिथिबा ई प्रतियोगिता रे मोट 16 दल भाग नेथिले। टूर्नामेंट रो फाइनल रे विजेता दल को नगद 20,000 टंका रो पुरस्कार सहित ट्रॉफी ओ उपविजेता दल को नगद 15,000 टंका सहित ट्रॉफी पुरस्कार दिया जाइथिला। कार्यक्रम आयोजन करिवारे सेक्टर 14 दुर्गा पूजा कमिटी रो साधारण संपादक बरदा प्रसन्न दास ओ अन्य माने सक्रिय सहयोग करथिले। मो बरदा प्रसन्न दास केन्द्र पूजा कमिटी जुग्म संपादक एवं सेक्टर 13 पूजा कमिटी साधारण संपादक आज एटी आपण माने समस्ते देखुथिबे शांतिनगर बस्तीर सूरज SNB क्लब द्वारा आयोजित फुटबल दुई दिवसीय फुटबल टूर्नामेंट खूब सुंदर होईछि। ए अंचल रे क्रीडार माहौल दुई दिन व्यापी ए अंचल रे क्रीडार माहौल सब आड़े थिला। आज बस्ती अंचल रे रहिकि कोनोसी प्रकार स्कोप नथिले मध्ये बस्ती अंचल लोक शांतिनगर बस्ती लोक निजस्व उद्यम आज फुटबल भली एक महान खेल को आज गोटे खूब सुंदर टूर्नामेंट करिसेंती। टूर्नामेंट रे दुई दिन व्यापी होता एथिरे 16 टीम भाग नहीं आज फाइनाल सूरज क्लब शांतिनगर बस्ती सूरज क्लब रनर्स अफ होता एवं तुमकेलार बालुघाट क्लब चंपियन होता। फर्स्ट प्राइज रखाई थी 20,000 एवं ट्रॉफी एवं द्वितीय प्राइज रखाई थी 15,000 एवं ट्रॉफी। सुंदरगढ़ जिलार कुआरमुंडा ब्लॉक अंतर्गत आधुनिक मेटालिक्स कारखाना रे कार्यरत श्रमिक मानक वेतन वृद्धि संपर्कित चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। एहा फलरे कारखाना रे कार्यरत 460 जन श्रमिकक दरमा सर्वनिम्न प्राय 7% वृद्धि होईछि। एहि वेतन व्यवस्था गत जुलाई 1 तारीख रो लागू होइतबा एक सांबादिक सम्मेलनी रे सूचना दिया जाइछि। सूचना मुताबक एहि नूतन चुक्तिनामा मुताबक कारखानार कर्मचारी माने अन्यान्य सुविधा पाइबे बोली जणा पडिछि। एहि अवसर रे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलनी रे आधुनिक मेटालिक्स कर्मचारी संघर नेता और सदस्य माने उपस्थित थिले। एहि नूतन चुक्तिनामा वीरमित्रपुर विधायक शंकर ओराम को जोगु संभव होइतवारु कर्मचारी संघ पक्षरु विधायकंकु कृतज्ञता ज्ञापन करा जाइछि। आयोजित सांबादिक सम्मेलनी रे कर्मचारी संघर साधारण संपादक हेमंत कुमार जेनांक समेत विधायक श्री ओराम, BMS नेता हिमांशु बळंक समेत अन्य माने उपस्थित थिले। जे विगत 10 वर्ष हला आधुनिक मेटालिक जो समय चालू थिला तापरे मध्ये तांकर वर्कर्स कर कोनोसी इंक्रीमेंट हेइ नथिला। लिबर्टी हाउस नेला 3 वर्ष हलानी तापरे मध्ये लिबर्टी हाउस प्लांटटाकु ठीक ढंग रे रन करि पारलानी। ता सते मध्ये प्रति मास रे दरमा दे आसुछि एवं आमर यूनियन आधुनिक मेटालिक वर्कर्स यूनियन आधुनिक मेटालिक रे रेकग्नाइज यूनियन हेला परे एटा प्रथम आमर दाबी थिला 8 पॉइंट उपर आमे चार्टर्ड डिमांड देथुलु आ ता भितरे फाइनाली गत 27 तारीख दिन आमर चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेला आ जोथरे कि सबु वर्कर मानकर 7% इनक्रीमेंट हेला। प्लांट न चलला सत्ते मध्ये प्लांट रो डेवलपमेंट न हेला सत्ते मध्ये
आमर दाबी सत्वे दाबी को सेने प्लांट रा मैनेजमेंट मानिकी आमको सात वर्कर्स मानक 7% इनक्रीमेंट दे यहाँ आम यूनियन रोटे एचिवमेंट कह से आपको ये प्रेस मीट मध्यम समस्त को जाना चाहते सहरर मुख्य रास्तार आनंद भवन लेन अंचल अपराधी चराभूमि पलटि अभियोग सूचना मुताबक यह अंचल सुना व्यवसायी मानू नियमित भाव किसी व्यक्ति डरा धमका करने सहित नियमित भाव बटी आदाय करुवा अभियोग स्थानीय अंचल किसी व्यवसायी रविवार प्लांटसाइड थाना लिखित अभियोग करते अभियोग पर पुलिस जड़े अभियुक्त को थाना को नहीं पचराउचरा कर समय संपृक्त अभियुक्त पुलिस को चकमा दे फेरार हो जाए सब मजार कथा हो पुलिस थाना फेरार होगापर संपृक्त अभियुक्त पुणि थे बटी मागवा और डराधमका करुवा सीसीटीवी फुटेज रु देखा मिली एमाणित होपराधी अपराध अभियुक्त मैंने पुलिस को डरूना गत किछि दिन है सहरर विभिन्न स्थान में चोरी लुटी और समान ढंगर अपराध नियंत्रण बाहर थिबा घटना बढ़िवारे लगी पुलिस अधिकारी माने कोड़ा पदक्षेप ने अभियोग होबुक दृष्टि रखी आरक्षी अधीक्षकों द्वारा स्वतंत्र पदक्षेप निजार आवश्यकता थिबा आलोचना हो बालेश्वर जिला सोर थाना 16 नंबर जातीय राजपथ कॉलेज छक निकट रे एक तीर्थयात्री बस एक ट्रक को धक्का देबा फल रे 14 जन यात्री आहत हो सोर डाक्तरखाना रे भर्ती होती गत सेप्टेम्बर 27 तारीख रे नेपाल रो बांके जिलारु एक बस रे 61 जन तीर्थयात्रा रे बाहरी थिले कलिकतार पूरी अभिमुखे जाउथबा समय रे सोर थाना अंतर्गत 16 नंबर जातीय राजपथ मनोरंजन ढाबा सम्मुख रे ठिया होइतिबा एक ट्रक पछरु बस टी धक्का देथिला फल ट्रक 61 जनों मध्य 14 जन आहत होता बेले जनकर अवस्था गुरुतर हो स्थानीय लोके समस्त आहत को उद्धार कर सोर डाक्तरखाना को आनी चिकित्सित कराई बस ड्राइवर गुरुतर आहत होबालेश्वर मुख्य चिकित्सा को स्थानातर कर